नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कविता शुंचा लेकर आया हूं पहला एपिसोड इनटू आस्क डिजिटल एग्जिम मित्र हैशटैग आस्क डीएक्सएम। दोस्तों इस हैशटैग की मदद से आप अपनी सारी क्वेरीज हमें पूछ सकते हैं। ये हैशटैग से हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, आपकी क्वेरीज को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूं, उस तरह से आप सब लोगों के वीडियोस बन जाएंगे। हमारे आज के वीडियो का क्वेश्चन पूछने वाले हैं अक्षय जैन जो कि रांची से है एंड ही इज एन एमबीए स्टूडेंट। अक्षय जैन ने मुझे पूरा एक डिटेल्ड ईमेल भेजा हुआ था। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूं, मैं आईबी में एमबीए कर रहा हूं एंड अब मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, पर क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? अक्षय के जैसे कई सारे दोस्तों का यह सवाल डेफिनेटली रहने वाला है कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं इस सवाल पे ज्यादा रोशनी डालूं उससे पहले मैं एक बात की क्लैरिटी करना चाहूंगा। वो बात यह है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बिजनेस करने का तरीका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने का एक जरिया है, यह एक बिजनेस नहीं है। तो अक्षय मेरे दोस्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने का तरीका है। अब अगर मैं यहां से मेरी बात शुरू करता हूं तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्ट के लिए आपको एक मार्केट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जिस तरह से हमेशा गाइडेंस देता हूं, एक प्रोडक्ट तीन मार्केट, उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर सिस्टमैटिक तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। ना जो आपका क्वेश्चन है कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो अक्षय संक्षिप्त में आंसर दूं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने का जो तरीका है, यानी कि बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से जो बिजनेस होता है, दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। उसके कारण बताता हूं। कारण नंबर एक, आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है क्योंकि आप केवल एक छोटी सी लोकैलिटी में नहीं पर एक पूरे विश्व में आप सेल कर रहे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में आपकी शॉप चांदनी चौक में है, चांदनी चौक में कितने लोग आएंगे? तो चांदनी चौक के आसपास जो भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस के लोग हैं, या तो जो लोग स्पेशली दूर दूर से दिल्ली से चांदनी चौक आते हैं, या तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको शॉपिंग करनी है, वो लोग मुश्किल से हायर साइड दिन के मैं मानूं तो 2 से 2500 फुटफॉल हायर साइड आपकी शॉप में 2 से 2500 लोग आ रहे हैं। पर यही शॉप अगर आपकी चांदनी चौक के साथ साथ सरोजनी में है, तो यही शॉप आपकी चांदनी चौक के साथ साथ सरोजनी के साथ साथ आपका गुड़गांव में है, तो यही शॉप आपके हर एक स्टेट के हर एक कैपिटल सिटी में है, तो आपके फुटफॉल्स को जब आप प्लस करोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। उसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से आप अपनी शॉप पूरे विश्व में लगा सकते हैं, पूरी दुनिया में लगा सकते हैं। पर अब ऐसा तो बोलते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इज नॉट लॉजिकल। लॉजिकल है पूरी दुनिया के मार्केट्स में, जहां जहां पे भी आपका मार्केट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं एक प्रोडक्ट तीन मार्केट। आपको फोकस रख के काम करना है, खाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करके फाइनलाइज नहीं होना है। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ साथ मार्केट सिलेक्शन भी करना है और उम्दा मार्केट सिलेक्शन करना है। मार्केट सिलेक्शन क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपके शहर में जहां पे चप्पल की बाजार लगती है वहां पे फिर आप चप्पल ही बेचोगे। वहां जाके अगर आपने जींस पैंट बेचना शुरू किया तो उतना रिस्पांस नहीं आएगा जितना चप्पलों के लिए आएगा। उसी तरह से जहां पे जिस चीज की डिमांड है वहां पे हमें वो सेल करना है। तो नंबर वन पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट करने से आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ता है, देखो ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि एक्सपोर्ट में मार्जिन बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट में मार्जिन अच्छे खासे होते हैं, बट आपका जो करंट प्रोडक्ट का मार्जिन है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। कई केस में तो ज्यादा होता भी नहीं है, सेम होता है। कई केस में कम भी होता है। पर लोग एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? लोग एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात कि इसमें आपका गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको बहुत मिलते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूं, एकदम छोटा सा, वेजिटेबल्स का अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ना, जो कि डिजिटल एग्जिम सब लोगों का वेजिटेबल एक्सपोर्ट करवाता है खुद, और मैं तो गारंटीड बायर्स लाके देता हूं आपको वेजिटेबल एक्सपोर्ट में फिक्स रेट में, जो कि फिक्स रेट में वेजिटेबल एक्सपोर्ट का पॉसिबल नहीं, बाकी सारे फिक्स रेट में होते हैं, वेजिटेबल एक्सपोर्ट फिक्स रेट में नहीं होते हैं। बट डिजिटल एग्जिम ऐसी सर्विस लेके आया है कि सबका वेजिटेबल एक्सपोर्ट फिक्स रेट में करवाता है। अब ये वेजिटेबल एक्सपोर्ट में मैं आपको बताऊं प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, 1.5 से 2%। फिक्स रेट में आपका प्रॉफिट मार्जिन केवल 1.5 से 2% है। आप बोलोगे सर 1.5 से 2% के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? पर मेरे दोस्त, वो 1.5 से 2% आपका सीधा पूरे कंटेनर यानी कि 25 से 26 टन यानी 25 से 26 हजार किलो के वेजिटेबल्स पे है, पहली बात। दूसरी बात, ये 1.5 से 2 टन तो ठीक है प्रॉफिट, कोई बात नहीं, 1.5 से 2%, पर गवर्नमेंट इसके सामने 5% का बेनिफिट देती है।
गवर्नमेंट MEIS स्कीम के अंडर आपको 5% का बेनिफिट देती है। तो वेजिटेबल एक्सपोर्ट के माध्यम से आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका एटलीस्ट 4 गुना गवर्नमेंट आपको खुद ही दे रही है, आप समझ रहे हो। सो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। तीसरी बात कि इसमें जो मैंने पहले बता दिया कि आपका वॉल्यूम बेस्ड धंधा हो जाता है, सो मार्जिन तो होते ही होते हैं, प्लस आपको गवर्नमेंट बेनिफिट होता है, प्लस आपके वॉल्यूम होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि एक्सपोर्ट करने से आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरी बात, ये प्रॉफिटेबल क्यों है, क्योंकि सबसे जरूरी बात कि अभी तक बहुत ही कम लोग हैं जो इसमें घुसे हुए हैं। मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर 100 रुपए का काम होता है, 100% हम 100 रुपए लेकर चलते हैं, हमारा देश अभी 2 से 2.5 रुपए पर पहुंचा है दोस्त। हमें पोटेंशियल हमारा 30 से 35% का है, हम जिसमें 2 से 2.5 रुपए पर पहुंचे हैं। अगर हमारे विश्व में हमारे सभी भारतीय एक्सपोर्ट करने लगे ना, तो हमसे बड़ा इकोनॉमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। चलो वो तो बहुत बड़ी बात होगी पूरे विश्व भारत की, पूरे विश्व की, मैं आपकी बात करता हूं। कॉन्स्टेंटली आप मुझे 6 से 7 महीने दीजिए और बिना हिले, पूरे पेशेंस के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, भले कम इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट नॉट पॉसिबल, कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप इसमें लग जाते हो तो आप यहां के नॉर्मल बिजनेस से तो कई ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तीसरी बात कि ये प्रॉफिटेबल क्यों है, ये इसलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे देश में कुछ मंदी आ गई, अभी थोड़े दिन पहले हमारा सेंसेक्स डाउन गया था, फिर कभी अप जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मंदी आती है, कभी रिसेशन, क्या कुछ नहीं होता है, कभी भारत बंद हो जाता है, ऐसे केस में बिजनेसेस सफर होते हैं। बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें वो काम कभी बंद नहीं होता। पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी आई थी, कोरोना महामारी, ये कोरोना महामारी पैंडेमिक कोरोना, उसकी वजह से पूरे विश्व के सभी देश 100% बंद हो गए थे। पर आपको एक बात बता दूं कि हर जगह पे चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चालू ही था। हाँ, कुछ चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बनता पर वो नॉन एसेंशियल आइटम्स थी। पर अगर आप अपने प्रोडक्ट का बास्केट, मैं जो मेरे सभी क्लाइंट्स, सभी स्टूडेंट्स के पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट का बास्केट बनवाता हूं, कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड, ऐसा नहीं कि खाली हम ज्ञान पेलते हैं, हमारा काम है इंप्लीमेंटेशन करवाना। तो मैं जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का बास्केट बनवाता हूं, वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का बास्केट अगर आपने बना लिया, उसी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के बास्केट के साथ अगर आपने काम किया, तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं तो चालू रहेगा, आपके प्रॉफिट्स का चर्निंग चालू रहेगा। तीसरी बात कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस इसलिए है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हमेशा हमेशा से एक हमें एक्स्ट्रा एज मिलती है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसलिए कहता हूं कि केवल एक्जिम नहीं, डिजिटल एक्जिम, क्यों, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से जब आप पूरे विश्व में खुद को स्प्रेड कर रहे हो, जब आप पूरे विश्व में खुद के प्रोडक्ट को भेज रहे हो, आपका एक ब्रांड नेम बन जाता है। और उस ब्रांड नेम के बाद हमेशा देखिए, आप सिटी में नॉर्मल किसी शॉप से जूता लीजिए और वही जूता, इनफैक्ट उससे थोड़ी कम क्वालिटी का अच्छा आप नाइकी में से लीजिए, भाव में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों, क्योंकि नाइकी पे जैसे वो टिक मार्क लग जाता है ना, दैट स्वूश, वो एक छोटी सी लाइन, वो लाइन उस जूते को 8000 का बना देती है। वही जूता सिटी में 400, 500, 600, 800, 1000, 2000 में मिल जाएगा। कहने का मतलब है जब आप पूरे विश्व में स्प्रेड आउट हो, आपका एक ब्रांड बन जाएगा, और जब आप एक ब्रांड के तौर पे आगे आते हो ना, तो वो ब्रांड की वैल्यू होती है और उस वैल्यू में आपका मार्जिन ज्यादा होता है। तो अक्षय मेरे दोस्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं, अति प्रॉफिटेबल है, और आपको उसमें काम करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर काम शुरू करने से, काम के बारे में सोचने से नहीं। सो अक्षय माय फ्रेंड एंड मेरे सभी दोस्त जो अभी MBA परस्यू कर रहे हैं या जिन लोगों ने नया नया स्टार्टअप किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बिजनेस करने का तरीका है, उसे अप्लाई कीजिए, उसे इंप्लीमेंट कीजिए, आज ही इंप्लीमेंट कीजिए, और कुछ भी मदद की जरूरत हो तो डिजिटल एक्सिम का कॉन्टैक्ट कीजिए, #AskDXM के साथ आप हमारे साथ टच में रह सकते हैं एंड आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। सो अगले एपिसोड में और लोगों की क्वेरीज के साथ आई विल बी बैक। तब तक के लिए जय हिंद।